टोंक जहां से सचिन पायलट आते हैं, सचिन पायलट का गढ़ है, बीजेपी ने टोंक की सीट पर रमेश बिधूड़ी को वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। रमेश बिधूड़ी अभी क्यों चर्चा में है आप सब जानते हैं। संसद के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था दानिश अली के लिए और उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। गुर्जर नेता हैं रमेश बिधूड़ी भी और सचिन पायलट भी। टोंक में सचिन पायलट की घेराबंदी करने के लिए रमेश बिधूड़ी को वहां से उतारा गया है। 30% मुसलमान वोटर है टोंक की सीट पर। बीजेपी के लिए यह सीट हमेशा से बड़ी मुश्किल रही, कभी जीत नहीं पाई। और पिछली बार आप सोचिए कि बीजेपी ने इकलौता 200 में से एक उम्मीदवार जो है अगर मुसलमान उतारना पड़ा था तो टोंक की सीट पर यूनुस खान को यहां पर उतारना पड़ा था। रमेश बिधूड़ी को लेकर जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए कमाल की बात यह है कि वो वसुंधरा के बड़े नजदीकी थे, बहुत ही मजबूत थे उस समय जब वसुंधरा की सरकार में। और दूसरा ये कि जब आप रमेश बिधूड़ी को कहते हैं तो आप उनका लोकसभा का भाषण, जो टिप्पणी उन्होंने की, उसके बाद ये आया कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, इसकी चिट्ठी 2-3 सांसदों ने लिखी, और अब रमेश बिधूड़ी गुर्जर नेता, और गुर्जर नेता ऐसे वैसे वाले नहीं, वैसे वाले गुर्जर नेता कि हाँ वो सीधे मतलब लड़ाई लड़नी है, मैदान में उतर जाना है, उनको टोंक पहुंचाना। तो स्पष्टता बड़ी साफ है कि राजस्थान के चुनाव में आपको बहुत ज्यादा तीखे हमले होते हुए देखेंगे। और हो सकता है, मतलब ये मुझे नहीं पता है कि कितना उसकी तैयारी है, लेकिन शायद ये मुद्दा बढ़ चढ़ कर आने वाला है कि प्रधानमंत्री को एक वर्ग लगातार टारगेट करता है और उसमें जोड़ा जाएगा कि किस तरह से अशोक गहलोत की सरकार, किस तरह से उन्होंने दंगे उनके यहां होते हैं करौली में और कहते हैं कि अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करें, उस सब के लिए रमेश बिधूड़ी एक जिसको कहें कि चेहरे के तौर पर। रमेश बिधूड़ी गुर्जर नेता है, सचिन पायलट गुर्जर है, इतना तो समझ में आता है। जैसा मैंने बताया यहां मुस्लिम इसलिए मैंने जोड़ा वो कि दानिश अली ने नीच कहा उसको। रमेश बिधूड़ी जाएंगे वहां पर जाकर के संभाई भी करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट उस चुनाव का, जाहिर है कि वहां पर रिएक्शन होगा निश्चित। बेसिकली सीट को ध्रुवीकरण के हिसाब से रमेश बिधूड़ी को भेजा गया, ये सीट इसीलिए जानी जाती है हिंदू बनाम मुस्लिम। लंबे समय तक कांग्रेस ने वहां मुसलमान उम्मीदवार दिया है, सचिन पायलट जरूर वहां से लड़े, सचिन पायलट का एक गढ़ है, गुर्जर भी उसके साथ है, वहाँ के जाट भी सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी तो है उसके साथ। और सचिन पायलट को लास्ट टाइम चुनौती देने के लिए यूनुस खान को भेजा गया था कि मुस्लिम वोट टूटे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी को भेजने का एक बड़ा कारण ये रहा कि एक तो गुर्जर वोट वो तोड़े वहां पर सचिन पायलट के साथ जुड़े, इसके अलावा ध्रुवीकरण उस सीट पर कर दे, हिंदू बनाम मुसलमान का रुख वह सीट ले ले, जिससे सचिन पायलट को तकलीफ हो जाए। ये भी आ रही थी कि क्या सचिन पायलट सीट थोड़ी कोई दूसरी चुनने वाले हैं, कुछ बदल सकते हैं क्या, ये भी चर्चा थी कि वो अजमेर की साइड, अजमेर में इस बार जो है बिल्कुल आ सकते हैं और वो उनका पुरानी सीट। अगर राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त चर्चा में तो मुझे बताएं जरा, राशिद किदवई साहब के पास चले हम लोग। राशिद साहब स्वागत है। राशिद जी देखिए हम राजस्थान की चर्चा आज पहले कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की तरह क्या एक्सपेरिमेंट यहां भी दोहराया जाएगा, बड़े नेताओं को चाहे केंद्रीय मंत्री या सांसदों को यहां उतारा जाएगा, और राजस्थान में क्यों बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट नहीं निकाल पाई है, आपको क्या पेच फंसा लग रहा है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में राजस्थान में? देखिए सौरभ, हमें ये जो भाजपा की रणनीति है कि केंद्रीय मंत्री, मैं अभी आपका देख रहा था, आपने सबका परिचय दिया, दो केंद्रीय मंत्री रह गए जो अश्विनी वैष्णव, वो भी राजस्थान से आते हैं, और भूपेंद्र यादव, तो उनका नाम भी आप शामिल कर लें ताकि पूरी एक 12 की पूरी एक टीम तैयार हो जाएगी। देखिए विधानसभा के जो चुनाव होते हैं सौरभ, वो चुनाव जीतने के लिए होते हैं। अगर चुनाव जीतेंगे तो ये तमाम लोग जो ये 10 या 12 लोग हैं इनकी क्या भूमिका होगी? अगर आप बंगाल का चुनाव देखें तो 5 के 5 सांसद लड़ाए गए, 3 सांसद हार गए, 2 सांसदों ने जो था असेंबली से इस्तीफा दे दिया, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। उसका अगर सांसदों को लड़ाना है या केंद्रीय मंत्री को लड़ाना है वो स्वागत योग्य बात है, लेकिन उनको वैसा करना चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दें और वहां जाकर के अपने आप को प्रस्तुत करें एक स्थानीय नेता या क्षेत्रीय नेता के रूप में। और उससे होता है, इसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी यूपीए के समय, वो छोड़ छाड़ के फिर वो बंगाल में उन्होंने अपना फोकस केंद्रित किया, वो चुनाव जीती। कमलनाथ ने भी तकरीबन यही करा 2018 में, वो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्तर के अपनी भूमिका छोड़ के वो प्रदेश में आया, प्रदेश में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, मुख्यमंत्री बने और अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती है सर, बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो ही बातें हो सकती है, या तो पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसमें उन लोगों की क्या भूमिका होगी, अगर पार्टी चुनाव हारती है तो फिर वही वो सांसद के रूप में रहेंगे और फिर त्याग पत्र देंगे। आगे की बातें, मेरा तो सवाल आपसे फिलहाल ये है, राजस्थान में बीजेपी आगे मानी जा रही थी,
राहुल गांधी ने भी कहा कि हम लोग नजदीक हैं, तो लोगों ने मतलब ये निकाला कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान तो हमारे लिए मुश्किल है चुनाव निकाल पाना। हम ये समझना चाहते हैं कि आपको लगता है अशोक गहलोत ने चुनाव को करीबी बना दिया है और बीजेपी को एमपी की तरीके से यहां भी कुछ हैवीवेट्स उतारने पड़ेंगे, अभी तक की आपकी असेसमेंट? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों दो पार्टी सिस्टम है, छोटी मोटी दूसरी पार्टियां हैं, वहां पर मतदाता या तो कांग्रेस का पक्षधर होता है या भाजपा का। वोट परसेंटेज भी बहुत कम होता है, मध्य प्रदेश में पिछली बार तकरीबन बराबरी का था, राजस्थान में भी। मुझे लगता है ये जो हम यहाँ व्यक्तित्व चेहरे की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी। जैसे मेरा अपना आकलन है कि राजस्थान में कांग्रेस को बहुत सारी समस्याएं हैं, वो रिजल्ट बताएंगे। कि मैं अपना आकलन वैसे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहां, सीधी बात है, मैं तो पत्रकार हूं, कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, या मध्य प्रदेश में भी भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए भाजपा ये सब कवायद कर रही है, लेकिन इस कवायद का नतीजा सिफर होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।